हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 सिटी राइट पाथ राइट पाथ राइट पाथ वेलकम सिटी जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी एमडी एंड डाउन डाउन हो बर्बाद हो बर्बाद भारत सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद 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 जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पे एजुकेशन लागू करो लागू करो लागू करो पे एजुकेशन लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद मेरा नाम मोहम्मद शफी आकुन है। मैं LIC एम्प्लॉई हूँ, क्लास टू ऑफिसर एज ए काम करता हूँ LIC में। पिछले 15 सालों से हम काम कर रहे हैं LIC में। तो LIC को आपको पता है दुनिया में यह वाहिद ब्रांड है, इसका नाम है LIC का, जिसको हम लोगों को LIC को पब्लिक को 70 साल लगे हैं इस LIC को, इस ब्रांड को ना हासिल करने के लिए। लेकिन आज की गवर्नमेंट इस ये 70 साल का काम पिछले एक हफ्ते में ख़त्म करना चाहती है। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करके किसी प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहती है। हम लोग आज यहाँ पर असेंबल हुए हैं, वी आर एम्प्लॉयज हियर, ऑल LIC एम्प्लॉयज पूरे वर्ल्ड, इस पूरे कंट्री में इस वक्त डिमॉन्स्ट्रेशन चलता है। वी आर अपोजिंग दिस IPO एंड हमारे और भी डिमांड है। आवर फॉरमोस्ट डिमांड इज वी आर आवर दिस पे रिविजन इज स्टिल पेंडिंग फ्रॉम 2017। तो हम उसके भी खिलाफ है, क्यों नहीं हो रहा है? अगर LIC के लिए हम दिन रात काम करते हैं, अगर LIC के लिए हम 24 घंटे राउंड क्लॉक काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉज जॉइंट वर्कर्स फेडरेशन, तो हमारे साथ ये इंसाफी क्यों हो रही है? और LIC का किसी भी हाथ में हम प्राइवेटाइज होना नहीं देंगे, हम LIC को बिकने नहीं देंगे, ना LIC को कोई बेच सकता है। तो हम इसी मद्देनजर आज यहाँ पे जॉइंट कॉल थी जॉइंट फ्रंट की, या श्रीनगर के कुछ एम्प्लॉज हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी लोग अभी नहीं आए। अगर आगे देखते हैं आगे कर रहे हैं क्या होगा, तो हम आगे भी इस मसले को आगे बढ़ा सकते हैं। पैसा अगर कहीं पे पैसा पब्लिक का पैसा सेफ है तो वो LIC में है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके सब इंश्योर्ड प्लस बोनस को गारंटी देती है। अगर ये प्राइवेट सॉवरेन गारंटी है, यह 1956 में बनी है, पूरा अगर कहीं पे भी गारंटी है पब्लिक का पैसा सेफ है वो LIC में है। और इसको आज बेचकर पब्लिक को भी सड़कों में उतारने की कोशिश की जा रही है, जिसके हम बिल्कुल खिलाफ है। हम होने नहीं देंगे, हम बिल्कुल लड़ते रहेंगे। कारण है कि हम IPO के खिलाफ है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए LIC। LIC को मकसद क्या है प्राइवेटाइज करने का, हमें पहले यह समझ नहीं आता है। जो प्रॉफिट इतने प्रॉफिट में है LIC, प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे 24 प्राइवेट कंपनियां हैं, और LIC अकेले होके हमारा मार्केट शेयर जो है वो अभी 70 है। अगर कहीं पे 100 पॉलिसी बिकती है तो 75 पॉलिसीज LIC करती है, उसके बाद भी पता नहीं आज की गवर्नमेंट ये क्यों चाहती है कि LIC को हम प्राइवेटाइजेशन करें। अगर लोगों का पैसा इसमें सेफ है तो गवर्नमेंट को क्या इसमें खर्चा है? उसका मतलब है गवर्नमेंट किसी को सेफ्टी देनी नहीं चाहती है, तो इसने ये सोचा। दूसरा हमारा जो है पे रिविजन का है, 2017 से पेंडिंग है, हम भी उसके खिलाफ है। ये पहली बार हुए मेरे 15 साल के करियर में, पहली बार हम सड़क पे आए हैं, और आगे भी हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। हमारा रही अदल ये होगा, हम होने नहीं देंगे, हम फाइट करेंगे। हमारे जो भी गाइडलाइंस उम्र से आएंगे ऑल इंडिया में, ये काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे काफी एम्प्लॉइज है, उनपे ऊपर हमारे हायर अथॉरिटीज बैठी है, उनसे भी बात करके हम इस राह अमल को आगे बढ़ाएंगे। INS, extremely fearless journalism.